हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज में कटोरी ब्लाउज का पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सभी साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं। आप चाहे किसी भी साइज का ब्लाउज काटना चाहें फ्रेंड्स, कटोरी का, आप इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट ब्लाउज बन के आएगा। इसे हमने अपने एक फ्रेंड्स के कहने के पे पैटर्न बनाया फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम अपने बैक पार्ट को अलग से कट नहीं करेंगे, इसी में हम अपना बैक और फ्रंट दोनों बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 इंच की एक लाइन मार्क कर लेते हैं फ्रेंड, 2 इंच कपड़ा छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच है, 1 इंच हमने प्लस करके 14.5 इंच में लाइन को मार्क किया है पीछे के का पार्ट बनाने के लिए। देखिए, इस तरह से हमारी 13.5 इंच लंबाई है, 1 इंच इसमें हमने मार्जिन कर लिया है। 1 इंच जो हम लेंथ लेंगे फ्रेंड्स, उसको बाद में लेंगे जब फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा शोल्डर पूरा 7.5 इंच है, तो हम अपना शोल्डर फ्रेंड्स गले के अकॉर्डिंग कम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा गला जो आएगा 8 इंच का गला बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारा 8 इंच का गला है, 6.5 इंच आगे का है, तो शोल्डर हमारा पीछे के गले पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डॉट डॉट करके गले की लेंथ मार्क कर ली पीछे की। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शोल्डर हमारा 7.5 इंच है और ये गला 8 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर को 1.5 इंच कम करेंगे फ्रेंड। जैसे जैसे हमारा गला बढ़ता है, 1.25 इंच हमारा शोल्डर कम होता जाता है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कम करेंगे अपने शोल्डर को 8 इंच गले के अकॉर्डिंग, तो हमारा शोल्डर 6 इंच आएगा फ्रेंड। देखिए, इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1.5 इंच हमने कम किया है शोल्डर को गले के अकॉर्डिंग। अगर हमारा गला 9, 10, 11 होता है फ्रेंड्स, इसमें से हम 2 या 2.5 इंच कम करते, तो इसे हम 5 या 5.5 इंच पे कट करते। 8 इंच गले के अकॉर्डिंग 1.5 इंच कम किया है फ्रेंड्स, तो 6 इंच हमने शोल्डर लिया है और 6.5 इंच हम आर्महोल ले लेंगे फ्रेंड। देखिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारा चेस्ट 37 है, उसका चौथाई हम लेंगे 9.5 इंच फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच हम मार्क करेंगे मार्जिन का। तो इस तरह से हम देखिए लाइन को मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। कटोरी ब्लाउज में 2 इंच का आप मार्जिन लेंगे तो आपकी परफेक्ट कटोरी बनेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल का शेप देंगे, क्योंकि इसमें हमारा शोल्डर थोड़ा ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर हमारा शोल्डर 5.5 या 5 के अकॉर्डिंग होता है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हैवी चेस्ट में। हमने यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच लिया है, क्योंकि हमारा यहाँ शोल्डर 6 इंच पर है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से करके हमने 1/2 इंच बाहर की साइड लेके बैक का आर्म होल बनाया है। और यहाँ पे देखिए, अब हम अपने फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनाएंगे अंदर लेते हुए 1/2 इंच। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक का गला होगा, हम गले को मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अपनी कमर का चौथाई लेंगे फ्रेंड्स। हमारी कमर 35 है, तो उसका चौथाई लेंगे फ्रेंड्स 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे, क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट कट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं अब कमर की। देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए फ्रेंड, देखिए फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारा 15.5 इंच पे लाइन हो गया है लेंथ का। ये हमारी लेंथ की लाइन है फ्रेंड, जो हमारे फ्रंट का पार्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, गले को हम शोल्डर के अकॉर्डिंग 3 इंच पे गला रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा गला छोटा है फ्रेंड, गिरने का कोई चांस ही नहीं है। 6.5 इंच फ्रंट का गला बनाएंगे। देखिए, इस तरह से 3 इंच हम नीचे भी गले की ब्रॉडनेस ले लेते हैं। गले की लाइन को मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे, ये हमारे कटोरी का गला बनेगा इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब देखिए, ऊपर से हम इसकी नाप लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी टक्स पॉइंट 10 इंच पे है। 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स शोल्डर के जॉइंट के लिए। 10.5 इंच पे टक्स की लाइन को मार्क किया फ्रेंड्स, और 12.5 पे हमने बेल्ट की लाइन को मार्क किया है। इसके अकॉर्डिंग बेल्ट को 13 पे भी मार्क कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे आपकी लेंथ हो। इसमें हमारे ब्लाउज की लेंथ सिर्फ 13.5 इंच है फ्रेंड्स, इसलिए हमने 12.5 इंच पे बेल्ट की मार्क लाइन को मार्क किया है। आप इसे 12.5 या 13 पे मार्क कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से 1 इंच ऊपर उठाएंगे, और जहाँ पे हमारा टक्स का सेंटर फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको देखिए राउंड लेते हुए आएंगे। इस तरह से अपने बेल्ट का शेप देंगे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे, और ये देखिए, इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे तो हमारी परफेक्ट बेल्ट बन के आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डार्क कर लेते हैं बेल्ट को, ये हमारा एकदम परफेक्ट बेल्ट बनना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बेल्ट को हम कट कर लेते हैं 1/2 इंच
हुक और आई का मार्जिन ले लेते हैं फ्रेंड्स इसमें इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट कट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, 9.25 इंच हमारी कमर है और 2 इंच मार्जिन का है, 1/2 इंच हुकाई का है। इस तरह से बेल्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1/2 इंच हुकाई का मार्क कर लेते हैं कटोरी बनाने के लिए। कटोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए जितना हमारा पूरा कपड़ा है इसको इस तरह से हम हाफ करेंगे, पहले पूरा जितना हमने मार्किंग की फ्रेंड मार्जिन लेके पूरे कपड़े को हम इस तरह से हाफ करेंगे। आप किसी भी साइज़ का बनाएं फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए इस तरह से हमारा पूरा 12 इंच का कपड़ा आ रहा है, इसको हमने देखिए इस तरह से यहाँ पे हाफ किया तो हमारा 6 इंच हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 1 इंच हम इधर एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हमारा 7 इंच हो गया। अब देखिए इसी लाइन को हम एकदम सीधी मार्क कर लेते हैं शेप देने के लिए कटोरी का। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा गला है यहीं से इसको हम इस तरह शेप देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 या 2.5 इंच आना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम पड़ रहा है। देखिए कटोरी को थोड़ा सा हम अंदर ले लेंगे और ऊपर आर्म होल का हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से 2 या 2.5 इंच आप यहाँ पे रखिएगा फ्रेंड्स इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने इस साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गले की साइड। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और इसको देखिए यहाँ से तिरछा मिलाएंगे फ्रेंड्स, जहाँ से हमारे हुकाई का मार्जिन है वहाँ से इसको तिरछा मिला लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जितना हमारा पूरा कटोरी का पार्ट आया उसका हाफ करेंगे। ये देखिए कटोरी का सेंटर ले लेते हैं इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स अपने टक्स की लेंथ लेंगे तो हमारी टक्स की लेंथ 10 इंच है, 1/2 इंच हमने उसमें शोल्डर मार्जिन लिया है फ्रेंड्स और 1/2 इंच हम कटोरी का मार्जिन लेंगे। इस तरह से हम 11 इंच पे इसको मार्क करेंगे, जितना आपका टक्स पॉइंट हो उसमें 1 इंच प्लस करना है फ्रेंड्स, 1/2 इंच शोल्डर के लिए और 1/2 इंच कटोरी के मार्जिन के लिए। देखिए हम दोनों लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे, एक टक्स लाइन के और एक हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको। और देखिए सेंटर को हम इस तरह से सेंटर लाइन को इस तरह से मार्क कर लेते हैं कटोरी का जो सेंटर हमने बनाया था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे, जो हमने कटोरी का 1/2 इंच लिया है मार्जिन का वहाँ से 1 इंच लेंगे, दोनों साइड हम 1 इंच ऊपर लेंगे फ्रेंड्स नीचे की लाइन से। और देखिए इसको हम इस तरह से सेंटर पे मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान है कटोरी कट करना और बहुत परफेक्ट उभार आता है इस कटोरी में। ये देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे तो हमारी ऊपर की कटोरी यहाँ पे एकदम फाइनल हो गई है फ्रेंड्स। देखिए इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स शोल्डर को हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, इसमें गला छोटा है इसलिए हम इसको आर्म होल की साइड डाउन कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से 1/2 इंच हमने डाउन कर लिया है, इसको कट कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड अगर आपको कहीं समझने में अभी भी दिक्कत हो रही है आप बताइएगा ज़रूर, हमने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम कटोरी को कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड कटोरी वाला पार्ट अलग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा एक कटोरी का पार्ट ऊपर वाला निकल गया है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सेंटर पे कट लगा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स उसको हम अलग कट करेंगे। इस तरह से देखिए हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, साइड का और कटोरी का एक और एक बेल्ट फ्रेंड्स। अब देखिए इस तरह से इस वाले पार्ट को हम अलग पेपर पर कट करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने ये एक्स्ट्रा पेपर ले लिया है और जैसा ही हमारा पार्ट है फ्रेंड्स उसको पहले रखेंगे और इसमें देखिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स, 1/2 इंच हम इसमें नीचे की साइड एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर की साइड जो हमारा कटोरी में जॉइंट होगा उसको लेंगे और 1/2 इंच हम जो शेप देंगे कटोरी का उसके लिए लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमने 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है, 1 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे। इस तरह से हम इस लाइन को मार्क करके एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हम पेपर को फोल्ड करके देख लेते हैं, हमारा पूरा हमारा पेपर हर साइज़ से इक्वल रहना चाहिए।
अब देखिए जब हमने ये फ्रेंड्स इसको इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से रखना है, और देखिए इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो हमने ऊपर की साइड 1 इंच मार्जिन लिया है और नीचे की साइड 1/2 इंच फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से जितनी हमको लेंथ चाहिए उसको हम मार्क कर लेंगे, जो हमारा पेपर एक्स्ट्रा का उसको कट करके अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स जितनी हमारी पेपर की चौड़ाई है उसको हम इस तरह से हाफ करेंगे, और दोनों साइड से देखिए 1/2 इंच इस तरह से लेंगे फ्रेंड्स। एक कटोरी का शेप देंगे जो हमारा कटोरी में जॉइंट होगा ऊपर जाके, इसलिए हमने इसका मार्जिन एक्स्ट्रा अलग से लिया था और जॉइंट का अलग से लिया है फ्रेंड, तो इसीलिए हमने ऊपर की साइड 1 इंच मार्जिन का रखा था। ये देखिए ये हमारा कट जाएगा इस तरह से, हमने 1/2 इंच इसमें से अलग कर दिया है राउंड करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट होगा, तो उसका 1/2 इंच ये रहा। अब देखिए फ्रेंड इसको इस तरह से रखेंगे। अभी देखिए फ्रेंड इसी का हम शेप उतार लेते हैं, लेकिन ये शेप परफेक्ट नहीं होता है, ये वाला शेप हम अपने बेल्ट को रख के देंगे। तो अभी हम इसको उतार के देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने इसको उतार लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपनी बेल्ट को लेंगे, तो देखिए बेल्ट को रखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना अंतर आ रहा है हमारे बेल्ट और इसमें, क्योंकि हमने बेल्ट को पहले कट कर दिया था, इसके बाद हमने कटोरी को कट किया है तो थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है फ्रेंड्स। तो हम देखिए जब इसकी कटिंग करेंगे तो बेल्ट को रख के करेंगे, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो उसमें जाएगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये शेप था, यहाँ से हमारा बेल्ट इतनी दूर से निकला है, इतना हमारा एक्स्ट्रा आया था फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा वहाँ का निशान सही नहीं आया था। ये देखिए ऊपर वाला निशान परफेक्ट नहीं था, जब भी हम इस निशान को लगाएंगे बेल्ट को रख के लगाएंगे, देखिए सेंटर पर मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी डॉट आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसमें हम लिख लेते हैं ताकि हमको पता चले कौन सा साइड हमारा ऊपर का है और कौन सा नीचे का है, ताकि हम इसको सिलाई करेंगे फ्रेंड कट करने के बाद जोड़ने में हमको आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट कटोरी का पार्ट कटा हुआ है, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है फ्रेंड इसकी सिलाई में, परफेक्ट कटोरी बनती है। ये देखिए इसमें सिर्फ इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर डार्ट डालेंगे फ्रेंड, क्योंकि इसमें हमारे कमर और चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 2 ही इंच का अंतर फ्रेंड, तो 2 इंच का डार्ट हमारा पीछे का ही हो जाता है, लेकिन इसमें से हमको 1/2 इंच इसमें डार्ट डालेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से करके हम 1/2 इंच की डार्ट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा थोड़ा ही कपड़ा बच रहा है यहाँ पर, जितना हमारा कपड़ा बचता है फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डार्ट डालते हैं। ये देखिए जितना हमारा कपड़ा बच रहा है उसी को हाफ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए हमारी कमर 35 है और चेस्ट 37 है फ्रेंड, बस इसमें हमको 2 इंच का ही डिफरेंस आ रहा है हमारी कमर और चेस्ट में। यहाँ पे जो हमारा डार्ट पड़ेगा फ्रेंड्स 1 इंच का डार्ट, हम 1 इंच के डार्ट को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हाफ से भी 1/2 इंच इसमें आएगा फ्रेंड्स, लेकिन हम 1/2 इंच का डार्ट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, कट से कट मिला के फ्रेंड्स कटोरी को ज्वाइन करेंगे। तो हमने दोनों साइड 1/2 इंच मार्जिन कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया है, अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स स्लीव की लेंथ आपकी जितनी हो 1 इंच उसमें मार्जिन का प्लस करके हमने देखिए यहाँ पर हमने अपना 5 इंच लिया है, और यहाँ देखिए जितनी हमारी चेस्ट है फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग हम इस स्लीव की चौड़ाई लेते हैं, तो हमने 9.25 इंच लिया है 37 चेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स इस हाफ स्लीव में हम 2.5 इंच कम करते हैं, तो इस तरह से हमने 2.5 इंच की एक लाइन मार्क कर ली है। आपकी स्लीव लंबी हो तो आप उसमें 3 इंच या 3.5 इंच कम करें। स्लीव राउंड देखिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं फ्रेंड, जितना हमारा स्लीव राउंड होता है उससे 1 इंच ज़्यादा हम ये बाई शेप लेते हैं जो हमारे ब्लाउज में फिट होता है फ्रेंड्स, आर्म होल में ब्लाउज के, इसे हम बाई शेप कहते हैं। और देखिए 2-2 इंच का हम इस तरह से मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम स्लीव को कट करते हैं तो हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट बैठती है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ फिटिंग आती है फ्रेंड्स। देखिए 2-2 इंच का हमने मार्जिन लिया फिटिंग का, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हमारा तैयार मार्क है वहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड गहराई देंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट में आएगा, कट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स खोल के हम गहराई देंगे ताकि हमारे एक ही पार्ट में गहराई का पार्ट आए। इस तरह से हम यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, जहाँ कहीं समझ में ना आया हो उसको भी कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।